पिछली वीडियो में देखा एक्सरसाइज फर्स्ट ई के क्वेश्चन किए थे। एक्सरसाइज फर्स्ट ई में से हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, एग्जाम पेपर भी किए थे, तो वो यूनिट वही खत्म हो जाती है। अब नेक्स्ट यूनिट यूनिट टू की ओर बढ़ते हैं। यूनिट है ये टू और चैप्टर है ये थ्री। यूनिट टू चैप्टर थ्री में क्या है, हमारी कोई रैखिक अवकल समीकरण होगी। चैप्टर का नाम है अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण। चैप्टर का नाम क्या है, अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण। इसका मानक रूप क्या होगा, इसका मानक रूप होगा क्या, डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन। इसके साथ में कोई कांस्टेंट क्या ले लें, ए जीरो प्लस ए वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट प्लस लास्ट में क्या आ जाएगा, कोई ए एन वाई इक्वल टू कोई फलन क्या होगा एफ एक्स। इस टाइप से हमारी क्या होगा, मानक रूप होगी अचर गुणांक। गुणांक कौन कौन से अचर, ए जीरो ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन, ये हमारे क्या है अचर गुणांक है। अचर गुणांकों वाले क्या है, रैखिक अवकल समीकरण। तो क्या करेंगे इसके लिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू रख देते हैं कैपिटल डी। तो ये समीकरण चेंज होकर क्या हो जाएगी, रखने पर ये अवकल समीकरण क्या हो जाएगी, ए जीरो और क्या डी की पावर एन और वाई, जो डी अपॉन डी एक्स एन है तो ये एन पावर यहां लगा दे, डी की पावर एन प्लस ए वन, यहां पर क्या हो जाएगा डी एन माइनस वन वाई, डी एन माइनस वन वाई हो जाएगा प्लस डॉट डॉट प्लस क्या होगा ए एन वाई इक्वल टू क्या एफ एक्स। तो ये हमारा अवकल समीकरण किसमें चेंज हो जाएगा, कैपिटल डी में हो जाएगा। अब हल करने की विधि क्या होगी, हल करने की विधि में क्या होगा, हम क्या करेंगे, जो हमारी अवकल समीकरण होगी वो एफ डी वाई बराबर एफ एक्स टाइप की हो जाएगी, यानी डी का फलन इंटू वाई और बराबर कितना एफ एक्स। डी का कोई भी फलन होगा, कैसा भी हो सकता है, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस वन हो, डी के रूप में होगा, कैपिटल डी के रूप में नहीं होगा तो हमें बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे इसके लिए, हम d बराबर क्या लिखेंगे, m, d बराबर m रखकर सहायक समीकरण निकालेंगे। सहायक समीकरण निकालेंगे कैसे, d बराबर m लिखकर इसका जो हल होगा वो दो भागों में होगा। हल होगा क्या, y बराबर cf प्लस pi, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ, पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई, दो भागों में होगा, हमें सी एफ निकालना पड़ेगा और पी आई निकालना पड़ेगा। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर केवल किसकी, सी एफ के लिए, अभी पी आई वाले क्वेश्चन नहीं है क्योंकि एफ एक्स हमारा जीरो होगा। जब एफ एक्स बराबर जीरो तो इसका मतलब पी आई हमारा क्या होगा, जीरो होगा। फलन यदि नहीं है यहाँ पर तो हमारा पी आई क्या होगा, जीरो। तो हमारा हल क्या रह जाएगा, हल रह जाएगा वाई बराबर सी एफ। तो पहली जो एक्सरसाइज है थर्ड ए, उसमें केवल वाई बराबर सी एफ वाले ही क्वेश्चन है, केवल सी एफ निकालना है, पी आई उसमें नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें एफ एक्स जीरो है। तो डी बराबर एम रखकर हम क्या निकालेंगे, सहायक समीकरण। इससे ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, इससे हम क्या करेंगे, एम के मान निकालेंगे। इससे एम के मान ज्ञात करें,
इससे एन के मान ज्ञात करेंगे। फिर नंबर क्या तीसरा, जब एन के सभी मान कैसे हो, अलग अलग हो, सभी मान कैसे हो अलग अलग, तो हमारा सी एफ कैसे लिखा जाएगा। सभी अलग अलग मानों को हम ऐसे लिख लें m1 m2 m3 डॉट डॉट इस टाइप से, तो सी एफ कैसे लिखा जाएगा, एक कांस्टेंट आएगा सी वन, और जो हमारा m मान है m का मान आ जाएगा e की पावर m1x, ये m का मान यहाँ जाएगा, प्लस सी टू क्या e की पावर m2x, प्लस सी थ्री ई की पावर कितना m3x, प्लस डॉट डॉट इस टाइप का हो जाएगा सी एफ। तो ये तो तब है जब m के सभी मान क्या है अलग अलग है, हो सकता है मान समान हो, मान समान होंगे तो क्या होगा, फोर्थ पॉइंट क्या है, जब m के कुछ मान समान हो, कुछ मान समान हो, कुछ मान समान हो, तो हमने क्या क्या ले लिए, हमने ले लिए m1 और m1, तीन मान समान ले लिए m1 m1 m1, और क्या m2 m3, ये कुछ अलग अलग मान है, तो इसका सी एफ कैसे लिखा जाएगा, तीन मान समान है तो तीन बार हमारे कॉन्स्टेंट आएंगे c1 c2 c3, पहला कॉन्स्टेंट अकेला रहेगा, दूसरे में x का गुणा, तीसरे में x स्क्वायर का गुणा। यदि चार मान समान होते तो c4x³ आता, यदि केवल दो मान समान होते तो c1 + c2x आता, तीन मान समान है तो क्या आएगा c1 + c2x + c3x² x की घात बढ़ती चली जाती है, कॉन्स्टेंट भी बढ़ते चले जाते हैं। तो ये हमारा आ गया तीन मान समान के लिए c1 + c2x + c3x² और e की पावर कितनी m1x, ये जो हमारे पास में तीन मान समान है उनमें से कोई सा भी एक लिख दे यहाँ पर e की पावर m1x, प्लस नए जो हमारे पास अलग अलग है उनको जैसे तैसे लिखेंगे पहली वाली विधि से c2 e की पावर m2x, c2 हमारा आ चुका है तो नया कांस्टेंट c4 ले ले, c4 e की पावर m2x प्लस c5 e की पावर कितना m3x, इन m2 और m3 के लिए जैसे तैसे आएगा ये प्लस डॉट डॉट, तो इस टाइप का cf होगा। एक हमारा क्या हो सकता है, जब m के मान सम्मिश्र संख्या में हो, जब m के मान किस में हो, सम्मिश्र संख्या में हो, सम्मिश्र संख्या कैसी होगी, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, तो हमें अल्फा और बीटा पहचानने पड़ेंगे, इसमें अल्फा और बीटा क्या है, तो इसका cf कैसे लिखा जाएगा, e की पावर अल्फा x और क्या c1 cos beta x + c2 sin beta x, इस टाइप का cf लिखा जाएगा। cf इक्वल टू क्या होगा, e की पावर अल्फा x c1 cos beta x + c2 sin beta x, ये प्राप्त हो जाएगा जब m के मान क्या है सम्मिश्र संख्या में। तो ये हमें सब याद रखने पड़ेंगे। हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, एक्सरसाइज में से थर्ड ए। एक्सरसाइज है थर्ड ए, जेपीएच की बुक है ये। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर देखते हैं, पहला ही क्या कह रहा है उसमें, इसमें थोड़ा एम का मान निकालना आना चाहिए। एम का मान कैसे निकालेंगे वो हमें देखना पड़ेगा, एम का मान निकालना ही थोड़ा आसान नहीं है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका, इसका एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत बार आया ये। एग्जांपल वन है d3y / dx³ + 11 dy / dx और माइनस क्या है 6y = 0, ये है। तो क्या करेंगे इसके लिए, हमें पहले इसमें देखना पड़ेगा कि फलन है कि नहीं है,
फलन यहाँ जो एफ एक्स होता है वो तो नहीं है, यहाँ यहाँ एफ एक्स हमारा क्या है जीरो, एफ एक्स जीरो तो हमारा पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा जीरो, पी आई की वैल्यू जीरो है। सी एफ के लिए क्या कर रहे हैं हम, इसको हम कैपिटल डी में चेंज कर रहे हैं, पहले सी एफ के लिए डी अपॉन डी एक्स बराबर कैपिटल डी रखने पर, कैपिटल डी रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा डी क्यूब वाई माइनस सिक्स डी स्क्वायर वाई डी स्क्वायर प्लस इलेवन, इलेवन जैसे तैसे डी वाई माइनस सिक्स वाई इक्वल टू जीरो, वाई 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 सब में से कॉमन आ रहा है तो क्या रह जाएगा ये डी क्यूब माइनस सिक्स डी स्क्वायर प्लस इलेवन डी माइनस सिक्स और क्या वाई इक्वल टू जीरो, ऐसा रह जाएगा ये डी क्यू माइनस सिक्स डी स्क्वायर प्लस इलेवन डी माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, ऐसा प्राप्त हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम d बराबर क्या लिखेंगे m रखेंगे, d बराबर m कितने वाले में रखेंगे बराबर जीरो लेंगे, इससे हमें m के मान निकालने पड़ेंगे, तो d बराबर क्या लिख रहे हैं d बराबर m रखने पर, m रखने पर क्या आएगा m क्यूब माइनस सिक्स एम स्क्वायर प्लस इलेवन एम माइनस सिक्स बराबर जीरो, ऐसा प्राप्त हो जाएगा ये। अब हमें इसके या तो गुणनखंड करें, गुणनखंड नहीं हो पाते तो m का मान स्वेच्छा से ऐसा रखें कि ये जीरो हो जाए, तो m बराबर वन पर जीरो हो रहा है, ये m बराबर वन इसको संतुष्ट कर रहा है, m का मान एक रख देंगे तो ये बारह हो जाएंगे प्लस के, m बराबर एक रख देंगे तो माइनस के बारह हो जाएंगे, माइनस के और प्लस के कैंसिल हो जाएंगे बारह तो बराबर जीरो आ जाएगा, तो m बराबर एक इसको क्या कर रहा है संतुष्ट कर रहा है, तो उस बात को लिख देते हैं m बराबर एक क्या करता है संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है m बराबर एक संतुष्ट कर रहा है, तो इस वन को इधर ले आए तो इसलिए क्या होगा, इसलिए m माइनस वन बराबर जीरो, इसका मतलब हुआ कि m माइनस वन एक गुणनखंड है, m माइनस वन क्या चीज है m माइनस वन इस समीकरण का एक गुणनखंड है, तो ये तो घात तीन का है तो घात दो वाले और हमें चाहिए, ये तो एक घात वाला तो हम निकाल चुके m माइनस वन, तो हम क्या करेंगे इस m माइनस वन से इसमें भाग लगाएंगे रफ में, रफ में क्या करेंगे m माइनस वन से भाग लगा रहे हैं किसमें m क्यू माइनस सिक्स एम स्क्वायर प्लस इलेवन एम माइनस सिक्स में भाग लगाना आना चाहिए, बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा था हमने भाग लगाना अनंत स्पर्शी वाले चैप्टर में, तो m से भाग लगा रहे m क्यू में कितनी बार जाएगा ये m स्क्वायर बार, m स्क्वायर का गुणा इसमें कर दे तो ये कितना हो जाएगा m क्यू माइनस एक m स्क्वायर, फिर इसका गुणा इन दोनों करके नीचे लिख देते हैं, फिर चिन्ह बदलेंगे माइनस प्लस ये कैंसिल, माइनस के कितने बच जाएंगे 6m स्क्वायर, माइनस के 5m स्क्वायर बचेंगे, माइनस के 6m स्क्वायर है प्लस का 1m स्क्वायर है तो माइनस का 5m स्क्वायर बच गया और प्लस के कितने 11m, अब फिर भाग लगा इसमें m से तो कितनी बार जाएगा माइनस के 5m बार जाएगा, माइनस 5m का गुणा इसमें करो माइनस का 5m स्क्वायर पहला तो जैसे तैसे आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना 5m, अब इनको घटा देते हैं ये प्लस ये माइनस 11 में से 5 गए तो 6m बचे और अंक उतार लिया किसका माइनस का 6, अब फिर भाग लगाओ इससे कितनी बार जाएगा इसमें 6 बार जाएगा, तो m से भाग लगा रहे हैं 6 बार गया हमारा तो ये क्या हो जाएगा 6m माइनस 6, इस 6 का गुणा इसमें कर दिया m माइनस 1 में और नीचे लिख दिया चिन्ह बदल दें, अब ये सारे कट जाएंगे तो हमारा जो भागफल जो शेषफल है वो जीरो आना चाहिए, यदि वो गुणनखंड है तो शेषफल जीरो आएगा निश्चित रूप से, यदि शेष जीरो नहीं आ रहता है तो इसका मतलब तुमने कहीं ना कहीं पर गलती की है, तो हम क्या करेंगे अब एम स्क्वायर माइनस फाइव एम प्लस सिक्स के गुणनखंड और करेंगे, इससे दो मान और निकलेंगे, तो हमारा एक मान तो एम बराबर एक हो गया, हमें तीन मान चाहिए क्योंकि हमारा एम क्यूब है ये घात तीन का समीकरण है तो एम के मान तीन होंगे, तो एक मान तो हमारा एम बराबर वन आ गया, हमने डायरेक्टली देख लिया कि एम बराबर एक इसको संतुष्ट कर रहा है,
अब दो बार इससे आगे भागफल एम स्क्वायर माइनस फाइव एम प्लस सिक्स इस भागफल से, तो यह फेयर में क्या लिखेंगे, दूसरा गुणनखंड, दूसरा गुणनखंड एम स्क्वायर माइनस फाइव एम प्लस सिक्स बराबर जीरो होगा, दूसरा गुणनखंड ये हो जाएगा। इसके गुणनखंड करें तो एम स्क्वायर माइनस छह के ऐसे खंड की पांच आ जाए, दो तिया छह होते हैं, तो माइनस की थ्री एम माइनस की टू एम प्लस सिक्स बराबर जीरो, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, एम कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा एम माइनस थ्री बचेगा, माइनस टू कॉमन आ रहा है इसमें से, क्या बचेगा एम माइनस थ्री बराबर जीरो। अब एम माइनस थ्री दोनों में से कॉमन, एम माइनस थ्री बाहर आ गया, क्या बच गया एम माइनस टू बराबर जीरो। तो एक बार तो एम माइनस थ्री बराबर जीरो और एक बार क्या एम माइनस टू बराबर जीरो, तो एम बराबर क्या मिल जाएगा यहाँ से थ्री और यहाँ से एम बराबर क्या मिल जाएगा टू। तो एम के दो मान और आ गए तीन और दो, एक मान हम पहले निकाल सके एम बराबर वन था, तो हमारे एम के तीन मान हो गए क्या क्या, इसलिए एम बराबर हो गया एक दो और तीन, एक मान हम पहले निकाल चुके हैं और तीन और दो ये है, तो एम के मान आ गए वन टू थ्री। इसलिए अब इसका कंप्लीमेंट्री फंक्शन सीएफ कैसे लिखा जाएगा, सी वन ई की पावर तीनों अलग अलग है, तो फर्स्ट कंडीशन लगेगी सी वन ई की पावर वन एक्स प्लस सी टू ई की पावर कितनी टू एक्स प्लस सी थ्री ई की पावर कितनी थ्री एक्स, कॉन्स्टेंट आगे बढ़ता चला जाता है, ई की पावर में ये जो मान आए हैं जो भी मान है उनको लिख देंगे, तो ये हमारा सी एफ हो गया। हल क्या होगा इसका, y बराबर सी एफ प्लस पी आई, तो y बराबर सी एफ कितना निकला है, सी वन ई की पावर x प्लस सी टू ई की पावर टू एक्स प्लस सी थ्री ई की पावर थ्री एक्स, और पी आई हमारा क्या है जीरो, तो y बराबर क्या आ गया सी वन ई की पावर x प्लस सी टू ई की पावर टू एक्स प्लस सी थ्री ई की पावर थ्री एक्स, और ये हमारा क्या हो जाएगा अरिष्ट आंसर। तो इस टाइप से मैं ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, पहले m का मान निकालते हैं, m के मान से क्या करते हैं, m के मान से ही आगे वाले मान हमारा सी एफ प्राप्त होगा। और देखते हैं इसका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं इसका पहला, एग्जांपल्स को देखना करके, क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, क्वेश्चन नंबर वन दे रखा है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी वाई अपॉन डी एक्स, टू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस फाइव बराबर जीरो, ऐसा दे रखा है। तो हम क्या करेंगे इसमें, डी अपॉन डी एक्स बराबर पहले कैपिटल डी रखेंगे, कैपिटल डी रखने पर क्या हो जाएगा, ये डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, और वाई और है, वाई को हम बाहर कर ले बिल्कुल, फाइव वाई है ये, y बाहर कर ले बराबर क्या रह जाएगा जीरो। तो क्या करेंगे इसमें, pi तो जीरो होगा क्योंकि हमारा जो फलन है वो यहाँ जीरो है, यहाँ pi बराबर क्या है जीरो, यहाँ pi बराबर जीरो है, क्यों, क्योंकि हमारे पास में जो इधर को फलन है वो जीरो है, तो हमें याद रखना है pi का मान जीरो है, जब हम बाद में लास्ट में आंसर लिखेंगे cf प्लस pi तो उसमें बाद में लास्ट में पी आई की जगह क्या लिखेंगे जीरो। अब सी एफ के लिए, सी एफ के लिए क्या करेंगे, डी बराबर एम लिखेंगे, डी बराबर एम रखने पर तो हमें क्या मिलती है, उसका नाम होता है सहायक समीकरण, ऑक्सिलरी इक्वेशन। सहायक समीकरण क्या होगा, एम स्क्वायर
प्लस टू एम प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। तो पांच के ऐसे खंड के दो आ जाए तो ऐसे गुणन खंड तो होते नहीं, तो हम धराचार विधि से हल करेंगे इसको। तो a बराबर वन है, b बराबर टू है और c बराबर क्या है फाइव। तो धराचार से m का मान क्या आएगा, m बराबर पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, माइनस बी प्लस वन एस अंडर रूट कितना बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन कितना टू ए, ऐसा आ जाएगा। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी, बी का मान टू है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या होगा, वैल्यू क्या होगी, फोर, टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर माइनस फोर ए, ए की वैल्यू क्या होगी वन इंटू सी, सी की वैल्यू क्या होगी फाइव अपॉन टू ए, टू इंटू ए की वैल्यू क्या हो जाएगी वन। तो एम की वैल्यू क्या आ गई हमारी, माइनस टू प्लस माइनस अंडर रूट फोर माइनस ट्वेंटी अपॉन टू, ये इनका मल्टीप्लाई ट्वेंटी हो गया। तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस टू प्लस माइनस अंडर रूट कितना माइनस सिक्सटीन अपॉन टू। तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस टू प्लस माइनस, माइनस का वर्गमूल आयोटा होता है और सोलह का वर्गमूल क्या हो गया चार बटे कितना दो। अब ये दो तो सबके नीचे अलग अलग बटे में करेंगे, यहाँ भाग लगाएंगे तो क्या रह जाएगा माइनस का एक, और यहाँ भाग लगाएंगे दो से चार में तो क्या रह जाएगा प्लस माइनस आयोटा इंटू टू। तो ये हमारा एम का मान आ गया माइनस वन प्लस माइनस आयोटा इंटू टू। तो हम क्या करेंगे, एम के मान प्राप्त हो गए, ये सम्मिश्र संख्या में आया है, सम्मिश्र संख्या के लिए हमारा सी एफ निकालने का तरीका अलग है, हमें इसमें अल्फा और बीटा पहचानने पड़ेंगे। यहां यहां एम का मान क्या है, सम्मिश्र संख्या है, सम्मिश्र संख्या है, इसलिए इसलिए क्या होगा, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो अल्फा की वैल्यू हमारी माइनस वन है और बीटा की वैल्यू क्या है टू। सी एफ कैसे लिखा जाता है, ई की पावर अल्फा एक्स ब्रैकेट के अंदर सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन कितना बीटा एक्स, ऐसे लिखा जाता है सी एफ। तो हमारा सी एफ क्या निकल के आएगा, सी एफ बराबर e की पावर अल्फा का काम माइनस वन एक्स और c1 कांस्टेंट कॉस बीटा का काम टू कर रहा है टू एक्स प्लस सी टू साइन बीटा का काम टू कर रहा है टू एक्स, ऐसा रह जाएगा सी एफ। तो इसका हल क्या होगा, हल होगा y बराबर सी एफ प्लस पी आई, और पी आई हमारा जीरो है तो पी आई को तो लिखे ना लिखे सी एफ लिख देते हैं। तो इसका मतलब वाई बराबर क्या हो जाएगा, सी एफ की वैल्यू ई की पावर माइनस एक्स और क्या सी वन कॉस टू एक्स प्लस सी टू साइन टू एक्स, ऐसा हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा हमारा अभीष्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से हमें क्वेश्चंस को हल करना है। वाई की वैल्यू प्राप्त हो गई सी एफ से, पी आई हमेशा इस एक्सरसाइज में तो जीरो है क्योंकि हमारे फलन का मान जीरो है।